subscribe to our channel and press the bell icon. Good morning friends, welcome to our YouTube channel Sir Abdul Sattar Khan, 12th class English new syllabus, Song of the Open Road, Appreciation of the Poem. Let's begin. عزیز طلباء طالبات سر عبد الستار خان اس یوٹیوب چینل میں آپ تمام کا استقبال ہے ٹویلتھ کلاس انگلش نیو سلیبس فرسٹ پوئم سانگ آف دا اوپن روڈ کا اپریسیشن ہم آج کرنے جا رہے ہیں اگر ہمارا ویڈیو پسند آتا ہے تو لائک کیجئے شیئر کیجئے چاہے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے لیٹس بگن اپریسیشن آف دا پوئم ٹائٹل آف دا پوئم سانگ آف دا اوپن روڈ نیم آف دا پوئٹ دا پوئم از ریٹن بائی والٹ وٹمن फिगर ऑफ ये फादर ऑफ फ्री वर्ड्स कहा जाता है इन्हें थीम ऑफ द पोएम स्टाइल ऑफ द पोएट एंड पोएटिक डिवाइसेस मैसेज ऑफ द पोएम एंड योर ओपिनियन ये सब चीज़ें हम इस एप्रिसिएशन में करने जा रहे हैं लेट्स बिगिन द सॉन्ग ऑफ द ओपन रोड इट इज़ रिटन बाय अमेरिकन पोएट वॉल्ट विटमन इट इज़ अबाउट ऑप्टिमिज्म एनर्जी एंड कॉन्फिडेंस ये इसका थीम है थीम क्या है ऑप्टिमिज्म एनर्जी एंड कॉन्फिडेंस द वर्ल्ड ऑफर्स अपॉर्चुनिटीज़ टू एनी वन हु वॉन्ट्स टू यूज़ देम वॉल्ट विटमन्स वर्क वेयर पावरफुल इन्फ्लुएंस ऑन अदर राइटर्स ये स्टाइल ऑफ द राइटर क्या है ये वॉल्ट विटमन का ये पावरफुल इन्फ्लुएंस करते हैं दूसरे अनदर राइटर्स पर भी द पोएट हिमसेल्फ स्ट्रगल्ड एज अ चाइल्ड ऑफ ट्वेल्व यानी जो पोएट थे वो भी चाइल्ड ऑफ ट्वेल्थ के थे तो वो भी स्ट्रगल करते थे ही ड्रॉप्ड आउट ऑफ स्कूल टू टेक अप सम जॉब टू हेल्प द फैमिली इनकम वो स्कूल उन्हें छोड़ना पड़ा था अपने फैमिली इनकम को बढ़ाने के लिए और फैमिली को हेल्प करने के लिए ही वर्कड एज लॉयर्स असिस्टेंट प्रिंटर्स असिस्टेंट एज अ टीचर एंड जर्नलिस्ट उन्होंने अलग अलग काम किया था एक लॉयर असिस्टेंट बोल के प्रिंटर्स असिस्टेंट और एक टीचर और जर्नलिस्ट के तौर पर ही हेल्प लुक आफ्टर द वाउंडेड इन द अमेरिकन सिविल वॉर अमेरिकन सिविल वॉर में उन्होंने जो जख्मी लोग थे उनकी हेल्प किया था जख्मियों की मदद की थी द पोएम सेज ओपन रोड इट इज़ अबाउट फ्रीडम द पोएट वांट्स टू गो आउट फ्रॉम रेस्ट्रिक्शंस एंड कंफर्ट्स द पोएम ओपन रोड का मतलब है ये एक आज़ादी के बारे में है और ये किसी किस्म की पाबंदियाँ रेस्ट्रिक्शंस एंड कम्फर्ट्स और किसी किस्म के आराम बे आरामी से दूर जाने के लिए कहा जाता है इसमें द पोएट वांट्स टू बी सेल्फ रिलायंट पोएट जो है सेल्फ रिलायंट खुद एतमाद होना चाहता है ही इज़ कॉन्फिडेंट द पोएम इज़ इन फ्री वर्ड्स और वो कॉन्फिडेंट भी है पोएम जो है ये फ्री वर्ड्स में लिखी हुई है देर आर मेनी पोएटिक डिवाइसेज बट नो मेट्रिक और राइम स्कीम इसमें बहुत सारे पोएटिक डिवाइसेज यूज़ किए गए हैं और इसमें कोई राइम स्कीम वगैरह नहीं है वी इमीजिएटली नोटिस रिपीटेशन देर इज़ ऑल्सो ट्रांसफर्ड एफिटेट इसमें रिपीटेशन है और एक फिगर ऑफ स्पीच है ट्रांसफर्ड एफिटेट द फ्रेज इंडोर कंप्लायंस डिस्क्राइब्स द स्पीकर हु अर्लियर हैड बीन एनक्लोज्ड इंडोर्स एंड कंप्लेनिंग ये ट्रांसफर्ड एफिटेट की एग्जाम्पल है जो द फ्रेज इंडोर्स कंप्लायंस डिस्क्राइब्स द स्पीकर हु अर्लियर हैड बीन एनक्लोज्ड इंडोर्स एंड कंप्लेनिंग नाउ इज डन विल नो लॉन्गर डू डैट और दूसरा फ्रेज में है अनदर फ्रेज क्यूरियस क्रिटिसिज्म स्पीक्स ऑफ एन इरिटेटेड पर्सन कॉन्स्टेंटली क्रिटिसाइजिंग एक इरिटेटेड पर्सन के बारे में जो क्रिटिसाइज करता है द पोएट हैज़ डिसाइडेड ही विल नो लॉन्गर इंडल्ज इन डैट आल्सो और पोएट ने डिसाइड किया है ऐसी चीज़ों में वो दोबारा नहीं शामिल होगा नहीं पढ़ेगा द पोएम इज़ अ ड्रामेटिक मोनोलॉज ये पोएम जो है ये एक ड्रामेटिक मोनोलॉज भी है द पोएम इंस्पायर्स अस टू एक्सप्लोर द वर्ल्ड यूजिंग आवर एबिलिटीज़ ये पोएम जो है हमें इंस्पायर करती है कि हम इस दुनिया को घूमें और हमारे काबिलियत का लोहा मनवाएं कंफर्ट कंप्लेंट्स क्रिटिसिज्म एंड फेट आर नॉट एक्सक्यूजेस फॉर वंस इनएक्शन अब इसमें इस बात की तरफ दिया गया है कि आप आराम ढूंढेंगे कंप्लेंट करेंगे या क्रिटिसाइज करेंगे किसी को एंड फेट आर नॉट एक्सक्यूजेस फॉर एनी वंस इनएक्शन तो आपकी जो फेट आपकी जो किस्मत है वो किसी किस्म की एक्सक्यूज नहीं हो सकती अगर आप कोई काम नहीं करते हैं उम्मीद है ये आपको पसंद आया होगा अगले वीडियो में दोबारा आपसे मुलाकात होगी तब तक के लिए गुड बाय